जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज पांचवा नवरात्र है और आज के दिन पूजा होगी माँ स्कंद माता की। तो आइए आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माँ शक्ति लॉर्ड स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय की मदर है, माँ है। लॉर्ड कार्तिकेय रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति, यानी कि पावर ऑफ विजडम प्लस पावर ऑफ राइट एक्शन। तो स्कंद माता वो फॉर्म है डिविनिटी की जो कि विजडम और एक्शन यानी कि ज्ञान और क्रिया को एक साथ जन्म देती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। होता क्या है कि जब शिव तत्व यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी मेडिटेटिव स्टेट में होती है या कुछ एनालाइजिंग स्टेट में होती है, तो शक्ति जो कि फेमिनिन एनर्जी है वो कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करती, कभी शिव को डिस्टर्ब नहीं करती है। वो एक बेस क्रिएट करती है अपनी कर्म भूमि का, जिससे कि वो सारी नेगेटिविटीज को किल कर पाए, और साथ ही साथ वो मैस्कुलिन एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपने ऊपर लेती है और बैलेंस क्रिएशन करती है बाय बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड बाय बिकमिंग प्रोटेक्टिव एंड डिसीजन मेकर एंड फियरलेस टू। और जब शिव अपनी कर्मयोगी फॉर्म में आते हैं सारी एनालाइजेशंस के बाद, तो शिव और शक्ति का इच्छा के साथ समागम होता है। देवी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिया यानी कि नॉलेज और एक्शन, क्योंकि जब शिव मेडिटेटिव स्टेट में थे तो देवी ने ज्ञान भी अर्जित किया था और एक्शन भी लिया था सो दैट वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो जब शिव तत्व यूनाइटेड हो जाता है इन्हीं शक्तियों के साथ देवी के साथ, तब लॉर्ड स्कंद का जो है भगवान कार्तिकेय का बर्थ होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रियात्मक ज्ञान यानी कि सोल मिशन के रूप में। तो शिव जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं शक्ति को नेगेटिविटी से, और शक्ति जो है वो सपोर्टर होती है शिव की। दोनों ही एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा प्रोटेक्टिव होती है और फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा सपोर्टिव होती है, और दोनों जब मिल जाते हैं मर्ज हो जाते हैं, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी प्रोटेक्टिव भी हो जाती है और नर्चरिंग भी हो जाती है, और फेमिनिन एनर्जी भी इंडिपेंडेंट भी हो जाती है और प्रोटेक्टिव भी होती है और नर्चरिंग भी रहती है, तब इन दोनों एनर्जीज के समागम से एक हायर फोर्स क्रिएट होती है। तो शक्ति जो थी उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया था, बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, योग साधनाएं की थी, अपनी सारी नेगेटिविटीज को किल किया था और अपने खुद को सेल्फ लव किया था, सेल्फ केयर किया था और अपनी बेस्ट वर्जन में आई थी, और शक्ति के रूप में वो पहचानी गई थी। वो इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने शिव को सपोर्ट किया उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और उन्होंने एक बेस क्रिएट किया, एक सोल मिशन बनाया जिससे कि वो अनकंडीशनल लव सारे लिविंग बीइंग्स को दे सकें, और उन्होंने जन्म दिया ऐसी फोर्स को जो कि नॉलेज का और एक्शन का समागम है, कॉम्बिनेशन है। यू कैन से नॉलेज इन एक्शन और एक्शन ड्रिवन बाय राइट नॉलेज, दैट्स लॉर्ड कार्तिकेय, जो कि लीड करते हैं सोल मिशन की तरफ पूरे अर्थ के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। तो ये हैं माँ स्कंद माता, जिन्होंने शिव को उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सपोर्ट किया, खुद को निखारा, खुद की बेस्ट वर्जन बनी, खुद को इंडिपेंडेंट बनाया, खुद ने स्ट्रेंथ गेन की और अपनी स्पिरिचुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहेंस करी और एक फोर्स ऐसी क्रिएट की जिससे कि वो पूरी अर्थ के लिए एक सोल मिशन क्रिएट कर सके, जिससे कि जितनी भी नॉलेज है वो एक्शन में आ सके और जितना भी एक्शन है वो राइट नॉलेज के थ्रू ड्राइव किया जा सके। तो माँ स्कंद माता ये भी कन्वे करती हैं कि हर ह्यूमन बीइंग में एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है और एक फेमिनिन एनर्जी होती है, दोनों ही एनर्जीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी होगी और फीमेल्स में फेमिनिन एनर्जी होगी, बल्कि हर ह्यूमन बीइंग में एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होती है जिसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कुलिन साइड होती है जो
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। और फेमिनिन साइड जो होती है वो नर्चरर होती है, सपोर्टर होती है और क्रिएटिव होती है। तो इट डजंट मीन कि जो मेल्स हैं या मैस्कुलिन हैं वो अपना मैस्कुलिन एस्पेक्ट ही संभालेंगे और जो फीमेल्स हैं वो अपना फेमिनिन एस्पेक्ट ही संभालेंगी। इट्स नेवर लाइक दैट। जैसे कि सोसाइटी में एक चीज़ हमारे दिमाग में प्रोग्राम कर दी गई है कि जो मेल्स का काम है वो मेल्स का है और फीमेल का काम जो है वो फीमेल्स का है। इट्स नेवर लाइक दैट। गॉड ने यहाँ पे यही कन्वे किया है, माँ स्कंद माता ने भी यही कन्वे किया है कि हर ह्यूमन बीइंग में दोनों एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन और फेमिन, और दोनों ही एनर्जीज को हर इंसान को अपने अंदर बैलेंस करना आना चाहिए सो दैट वो लाइफ में किसी चीज़ में उसको हार ना मानी पड़े जस्ट बिकॉज अपनी वीकनेस की वजह से, जस्ट बिकॉज उसकी एक साइड जो है वो उसने कभी एनहेंस ही नहीं की, कभी डिवेलप ही नहीं की वो स्किल्स। हर ह्यूमन बीइंग में हर क्वालिटी होनी चाहिए और वी नेवर नो कि कब हमें कौन सा दिन कैसा वक्त देखना पड़े, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन एवरी टाइम। अगर हम में दोनों ही एस्पेक्ट हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, अगर हम में दोनों की ही जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से एनहेंस्ड हैं तो हम लाइफ में सक्सेस ज़रूर गेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, माँ स्कंद माता रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, अनकंडीशनल लव, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस, क्रिएशन, मदरहुड एंड लिविंग लाइफ विद अ पर्पस। ये जो लर्निंग्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन्हें सुनने के साथ साथ इन्हें अपनी लाइफ में एप्लीकेबल भी करें, इन्हें फॉलो भी करें, सो दैट वील बी इन स्ट्रेंथ थ्रू आउट आर लाइफ, सो दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन आर लाइफ। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। जय माता दी।